कलानिधि चतुरभीष्व चतुरभीष्व त्रिभिस्तबा श्रुजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये महा गोपाल कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री ज्ञानगंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा का सुंदर रसस्वादन करती ये भगवतमय जीवात्मा प्रभु कृपा से कथा में पधारे आदरणीय कथाकार रविशंकर जी महाराज, कथा में ही विराजमान श्री बद्रीनाथ जी महाराज का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी बाबा एवं 108 श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को नमन करते हुए पुनित पावन कार्तिक के इस पावन महीने में अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति के लिए जो ये पुनित भगवान कल्लू जी महाराज सालिग्राम ठाकुर जी तुलसा जी का मंगल विवाह और 108 भागवत कथा का जो पुण्य आयोजन इस पुनित पावन धरा पर मानक बाग में हो रहा है, भाग्यशाली है यह भूमि जहाँ इतना पुनित आयोजन आयोजित किया गया है। देश विदेश से विराजमान सभी प्रांतों से आए हुए श्रोता भाई बहन अपना अपना घर छोड़कर आप यदि भगवान की कथा में पहुंचे हो तो एक विश्वास जरूर रखना कि आपके सुख दुख में
वो सांवरिया सेठ भी आपके घर जरूर पहुंचेगा। बागडोर की ये जिंदगी से लोगों को एक मिनट की फुर्सत नहीं है। जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो कि प्रेम बढ़े भगवान से। पूरा जीवन ऐसा ही निकलना है। जब दुर्योधन को भीम ने मारा और दुर्योधन जब मृत्यु लोक में पड़ा था, भगवान कृष्ण जब उससे मिलने के लिए गए थे और अंतिम क्षण था दुर्योधन का, प्राण छूटने वाले वह दुर्योधन के, और भूमि पर पड़ा हुआ है और भूमि पर पड़े हुए दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने जब देखा तो उसने मरने से पहले अपनी तीन उंगलियों को ऊपर कर दिया, भूमि पर पड़े हुए हाथ को, जमीन पर पड़े हुए हाथ को केवल तीन उंगली ऊपर कर दुर्योधन मरा था। हाथ की कितनी उंगली ऊपर करी थी? तीन। और तीन उंगलियों को ऊपर कर जब दुर्योधन मरा तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया, अर्जुन से भगवान कृष्ण से पूछ रहा है, कब मरा था, कितनी तारीख को मरा था दुर्योधन? अरे बोलो तो जल्दी से, कितनी तारीख को मरा था? 18 कैसे हुई? 28 फरवरी को तो युद्ध चालू हुआ था और 28 दिन का युद्ध चला था। 28 फरवरी को युद्ध प्रारंभ हुआ था कौरव और पांडवों का, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। कौन सी भूमि पर? कुरुक्षेत्र। क्योंकि पूरे भूमंडल में केवल एक भूमि ऐसी है कुरुक्षेत्र की, क्योंकि राजा कुरु जब पृथ्वी पर जन्म लिए तो कुरु राजा ने पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भगवान की इतनी आराधना करी कि स्वयं भगवान नारायण को पृथ्वी पर आना पड़ा। और केवल नारायण अकेले नहीं आए, पृथ्वी पर भूमंडल पर 33 करोड़ देवी देवता यदि किसी भूमि पर आए थे तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए थे। और राजा कुरु उस भूमि पर रहता था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर 33 करोड़ देवी देवता एक साथ प्रकट होकर पृथ्वी पर आए और आकर राजा कुरु से पूछा गया, तुमने इतना व्रत करा, इतना पुण्य करा, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा कुरु ने कहा, महाराज केवल देना चाहते हो तो 33 करोड़ देवी देवता यहाँ मेरे सम्मुख में विराजमान हैं, 33 कोटि देवता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मुझे केवल इतना मांगना है कि इस भूमि पर आकर यदि कोई एक बार भी कृष्ण की शरणागति का भजन कर लेगा उसको आपको वैकुंठ देना पड़ेगा, उसको आपको वैकुंठ देना, जैसे गजासुर ने मांगा था। पूरे भूमंडल का सबसे बड़ा असुर था गजासुर, गया जी में रहता था। अब सब दूर उसी की चलती थी, सारे देवता कोई भी राय लेते थे तो गजासुर के पास जाते थे, गजासुर जी बताइए हमको भंडारा कराना है तो गेहूं कितना लें, हमको बामन भोज कराना है तो हम ये कितना करें, गयासुर से राय लेते सब। और प्रबल भी था, बड़ा बोल्ड। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार करा, इसी की चलती, अपनी तो चलती नहीं और अपन तो ब्रह्मा, करें क्या। एक दिन ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रखा और यज्ञ रखने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जी पूरे भूमंडल पर देख लिया पर यज्ञ की भूमि नहीं मिल रही, आप कोई ऐसी भूमि को निर्मित कर दो जिस भूमि पर यज्ञ करें और पुण्य की प्राप्ति प्रखर हो जाए, तुरंत मिल जाए। तो भगवान विष्णु बोले, भूमंडल पर इतनी बड़ी पृथ्वी, कहीं पर भी यज्ञ कर लो, जाओ तुम्हारे पुष्कर में कर लो। नहीं नहीं महाराज, पुष्कर में नहीं करेंगे। तो कहां करना है? तो कहे, ऐसा जीव होना चाहिए जिसकी सत्ता पूरी पृथ्वी पर चलती हो, उसको सुलाकर उसकी छाती पर मुझे यज्ञ करना है। और वो एक ही था, कौन? गया।
और गयासुर की छाती पर यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु ने गया को बुलाया और गया को बुलाकर कहा, गयासुर तुमसे एक विनती है, ब्रह्मा जी का छोटा सा काम है, हवन कराना है, यज्ञ कराना है, तुम थोड़ी देर सो जाओ। गयासुर ने कहा, प्रभु मैं सो गया तो काम कौन संभालेगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम तो सो जाओ, अभी 3 दिन का तो यज्ञ है, उठ जाना वापिस। अब गयासुर जब सोए लेटे और लेटने के बाद जब यज्ञ प्रारंभ करने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने विचार कर, आप करें तो करें क्या, यज्ञ प्रारंभ करना और गयासुर है, ये भी असुर प्रवृत्ति का है और इस प्रवृत्ति के भूमि, इस भूमि पर इसके शरीर पर यज्ञ करने के लिए पहले इसको पवित्र करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उसी समय पर सारे ऋषियों को बुलाया और ऋषियों को बुलाकर कहा, जाओ कोई जाकर ऐसी व्यवस्था जमाओ कि यहां पर अमृत आ जाए। तो महाराज अमृत कौन ला सकता है, तो कि इस भूमंडल का, इस वायुचर का संचार करने वाला सबसे सुंदर जो पक्षी हो उसको बुलाया जाए और उसको बुलाकर अमृत लाने के लिए कहा जाए। तो पृथ्वी का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा, अरे बोलो तो, सबसे सुंदर पक्षी इस पृथ्वी का था कौआ। महाराज सबसे सुंदर कौन सा था, कौआ, इतना सुंदर कि बगुले भी उसके सामने फीके थे उसकी सुंदरता को देखकर, इतना श्वेत था, इतना वाइट था, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि उस पक्षी को देखकर, कौए को देखकर सबकी ईर्ष्या भराती थी, जहां से निकल जाता था लोग उसको देखते रह जाते थे, इतना सुंदर कौआ था। कौए को बुलाया, कौए तुम बुद्धिमान भी हो चतुर भी हो, निवेदन है एक काम करो और तुम अमृत की खोज कर लाओ कि अमृत कहां पर है, और अमृत को तुम लेकर आना, पर तुम पक्षी जाति के हो, उसको तुम्हें झूठा नहीं करना है, बस तुम जाओ और अमृत को लेकर आ जाओ और अमृत की सूचना पाल हमको दिला दीजिए। और कौआ गया ढूंढते ढूंढते, कौए को 4-5 दिन निकल गए और 5 दिन बाद जब पहुंचा सामने अमृत था, पर कौआ जब निकला था इतना भूखा हो गया, 4 दिन में इतना भूखा हो गया, अमृत को देखकर उसको प्यास लगने लगी और कौए ने चोंच में अमृत को भरकर पी लिया और आकर कह दिया, महाराज जी अमृत में देख लिया, मैं रखा हुआ है ले लो। अमृत को लाए देवता, लाने के बाद देवता जैसे ही लेकर आए तो कौए ने ब्रह्मा जी के कान में कह दिया, इसको मैंने परंतु झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मदेव को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, रे कौए तुझे देवताओं के काम के लिए भेजा था और तूने अमृत को झूठा करा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तेरी वाणी कर्कश हो जाए और तू, तेरा जो बुद्धि है काली, तेरी बुद्धि के सिर से तेरा कलर हो जाए। तो कौआ काला हो गया, नहीं तो था तो बिल्कुल एकदम बढ़िया। बढ़िया तो तुम भी हो, अमृत पीने के चक्कर में, थोड़ा सा धन जोड़ने के चक्कर में, संपदा जोड़ने के चक्कर में, मान पाने के चक्कर में, दुनिया के लोग अच्छे खासे कौवे की तरह काले हो जाते हैं। थोड़ा सा पाना और थोड़े से पाने के चक्कर में दुनिया के लोग अपने कालेपन को प्राप्त कर ले। अच्छा कौन नहीं है महाराज, अच्छा कौन नहीं है, और अच्छा ऐसी कोई भूमि पर व्यक्ति जो जन्म लेता है, माता के गर्भ से जिसने जन्म लिया है वो सुंदर भी है, आनंदित भी है और सत्कर्म करने के लिए पैदा हुआ। आपको पहले भी कहा था, जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है दोनों मुष्टिकाएं बंधी होती है और वो प्रतिज्ञा कर कर जन्म लेता है, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नर्क अगर कोई है तो वो माँ का गर्भ है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नरक है तो वो मां का गर्भ है, मुझे मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, बाहर निकलते ही बोला, मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार और उसमें भी उलझन आती है बार। हम अमृत पाने के लिए, कौए ने अमृत को ढूंढ तो लिया पर झूठा कर दिया। और आज भी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा उम्र किसी की होती है तो वो कौए की होती है। कौए की उम्र, कौआ ऐसे नहीं मरता, कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है तो प्राकृतिक आपदा में ही कौआ मरता है, अमरता है उसको।
महाराज अब अमृत को बुलवाया पर झूठा अमृत था, करें क्या उस अमृत का। तो उस अमृत को रखकर 3 दिन तक अनुष्ठान कराकर अमृत को शुद्ध कराया, शुद्ध कराकर गयासुर के ऊपर उसको लेपन करा गया। अब गयासुर पर जब लेपन करा, यज्ञ प्रारंभ करा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा यज्ञ करूं कि उठे ही नहीं, तो गयासुर की छाती पर ब्रह्मा जी बैठ गए। और भगवान जैसे ही 3 दिन का यज्ञ हो गया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना कर कर कहा, नारायण आपसे विनती है कि इस गयासुर को सोने दो और इसको दबा कर रख लो, क्योंकि ये उठता है फिर बेकार कर्म करना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ असुर प्रवृत्ति करता खूब अच्छा है पर कहीं ना कहीं एक असुर प्रवृत्ति का कर्म कर देता है। भगवान विष्णु ने अपना चरण उस गयासुर की छाती पर रख दिया। गयासुर ने कहा, नारायण तुम मुझे भले मत उठने दो, पर निवेदन है मेरी भूमि पर आकर कोई अपने पूर्वजों के लिए अगर एक अन्न का पिंड बनाकर दान भी दे देगा या तर्पण भी कर देगा, तो जैसे मैं भले ना उठूं पर उसके पूर्वज बैकुंठ के लिए चले जाएं, ऐसा वर प्रदान कर दीजिए। और गयासुर को वर दे दिया कि इस गया की भूमि पर जो दान जो पुण्य जो पिंड जो सत्कर्म होगा वो सुख दे जाए। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो बद्रीनारायण गए थे, ब्रह्म कपाली करिए, गया जी आना जरूरी है क्या? भैया शास्त्र कहता है, गरुण पुराण का 19वां अध्याय वर्णन करता है, हमारे शास्त्र रीति में 19वें अध्याय का अगर पंचम वर्णन करेंगे आप अध्याय का, तो 19वें स्कंद का जो 15वां या 18वां नंबर का अगर कोई एक अध्याय उसको आप वर्णित करेंगे सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पहला क्रम अगर कहीं होता है तो गया जी, उसके बाद यदि क्रम होता है तो ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कपाली पहले कराकर गया जी देना ये उत्तमता नहीं, पर गया जी देकर ब्रह्म कपाली करना वो उत्तम। फल की प्राप्ति, सुख की अनुभूति हो उसमें। महाराज अमृत की प्राप्ति हो उसमें। शास्त्र कह रहा है 3 उंगलियां ऊपर कर दुर्योधन मरा है। कितनी उंगलियां है? और अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, ये 3 उंगलियां ऊपर कर क्यों मरा है? ये 3 उंगलियां क्यों ऊपर करी है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू जान नहीं सका? नहीं महाराज। और एक बात याद रखो, मनुष्य जन्म जरूर ले लेता है पर पूरी जिंदगी ये समझ नहीं पाता कि मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति अपने पूरे अनुभव को ज्ञात कर लेता है। अंतिम क्षण में आपका पूरा अनुभव, सम्मुखता में प्रकट हो जाता है। और अंतिम का जो क्षण होता है वो सम्मुखता में प्रकटता का भाव अनुकूल करा देता है। एक बार भगवान कृष्ण घूमते घूमते पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जाकर वहीं पर बैठी हुई थी गांधारी काकी। तो जब माता कुंता को बुआ बोलते थे कुंती को, तो गांधारी को भी क्या बोलते थे? अरे बोलो तो सही, बुआ। क्योंकि बुआ जी के घर में जितती रहे सब बुआ, मामा जी के घर जितते भी रहे सब मामा, काका जी के घर जितते रहे सब काका। अब बुआ जी को देखा तो भगवान कृष्ण ने प्रणाम करा, बुआ जी प्रणाम करता हूं। गांधारी पीछे हट गई और गांधारी ने पीछे हटकर कहा, ए कृष्ण अगर तू चाहता तो मेरा पूरा वंश बच जाता, पर मेरे वंश में अगर आग लगाने वाला है, मेरे वंश को अगर कोई मिटाने वाला है तो तू है। पूरा मेरा वंश मिटा दिया तूने। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ जी अब जो हो गया उसको क्यों रो रही? मैंने क्या बुरा करा? मैं क्यों बुरा करूंगा? मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता बुआ जी। ये तो व्यक्ति के जीवन का जो कर्म है उसका मनुष्य को भोग भोगना पड़ता है। हम एक कथा आपको सुनाई थी ना, एक सेठ जी थे, वो सबको उधार पैसा देते थे, सब उधार लेने आ जाते थे। और सेठ जी एक बात लिखवाते थे, या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो तो कह देता था हम यही जन्म में दे देंगे, और जो नहीं चतुर होता था वो कहते हम वह जन्म में दे देंगे।
और दुनिया में देने वाले कम थे, लेकर जाने वाले वाजनम में देने वाले ज्यादा थे। हम तो वाजनम में दे देंगे। एक चोर को मालूम पड़ा सेठ जी बड़े उदार है, खूब धन देते हैं, चलो अपन भी चलते सेठ जी की तिजोरी देख लेते हैं, एक बार पूरा ही माल ले जाएंगे। और कह देंगे हमारे लड़के की शादी है, हमको थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए। सेठ जी क्या गए, सेठ जी पैसा चाहिए। सेठ जी ने कहा ले जाओ, कितना चाहिए? बस 5000 रुपये, तो ले लो, जाओ ले लो। यहाँ जन्म में दोगे, वहाँ जन्म में देंगे। सेठ जी अगले जन्म में देंगे, ठीक है ले जाओ। सिग्नेचर करवा लिए, दे दिया। चोर ने तिजोरी देख ली, घर चले गया। शाम को वापिस आ गया, रात्रि को भैंस के तबेले में जाकर छुप गया, जहाँ गाय भैंस बनती थी। चोरी करने के लिए गया था कि माल चुराना है, और जहां गाय भैंस बनती वहीं पहुंच गया। रात को 2 बजे चोरी के लिए जैसे ही निकला, इतने में 2-4 भैंसें खड़ी आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, जीजी तुझे कितने साल हो गए यहाँ आए? कहा 8 साल। 8 साल से दूध दे रही हो तुझे? मैं तो अभी 6 महीने से आई। अच्छा, दूसरी बोली, मेरे को 3 साल हो गए। एक बोली, मुझको 1.5 साल हो गया। पर एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी के ये भैंस दूध क्यों दे? एक बूढ़ी भैंस बोली, या सेठ बड़ा चतुर है, सबको उधार पैसा देता है और पूछता है या जन्म में दोगे कि वहां जन्म में दोगे। जो वहां जन्म में देकर नहीं आया, जीते जी देकर नहीं आया, तो मरने के बाद भैंस बन के ये दूध दे दे के पूरा कर्जा चुकाना पड़ता। कर्जा तो चुका। तो एक गीत गाते थे ना, जन्म जन्म का बहु, अग्नि पुराण में लिखा है, बहु सास बेटा बेटी पत्नी पति, ये सब एक जन्म के नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत। एकादशी का फलादेश पढ़ा है ना अपन ने, एकादशी का फलादेश क्या लिखा है इसमें? एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई, और बहू आई, आज बहू शयन कक्ष में थी, 4 दिन विवाह के हुए थे, राजा के लड़के की तलवार रखी थी। एकादशी का फलादेश कहता है, उस तलवार की म्यान को जब देखा तो म्यान इतनी सुंदर थी, राजकुमारी ने सोचा, बहू ने सोचा, इतनी सुंदर अगर म्यान है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार निकाली, हाथ से तलवार छूट गई, छूटते से ही तलवार राजा के लड़के के गले पर पड़ गई और लड़का मर गया, पति मर गया। पत्नी रोने लगी, करूं क्या, राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, और अगर पकड़ा गई तो मृत्यु दंड मिलेगा, तो करना क्या है? इसके शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती हूं। और शव को खींच कर ले गई, तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में पटक दिया। सवेरे सवेरे पंडित जी तुलसी लेने के लिए आए, पंडित जी तुलसी लेकर जा रहे थे, इतनी देर में बहू चिल्लाने लगी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारी सेना आ गई, पंडित जी को बंदी बना लिया, ले जाकर कैद में डाल दिया, और लड़के का अंतिम संस्कार हो गया। राजा को मालूम था यह पंडित कभी गलत काम नहीं कर सकता, जरूर इस पर झूठा इल्जाम लगा, क्योंकि ये कभी चीटी नहीं मारा, तो ऐसा कैसे कर सकता। पंडित जी ने खूब मना करा, मैंने ये नहीं करा, पर मानने को भी तैयार। राजा ने पूरी सत्ता उसके खिलाफ सबूत होने पर नियम दे दिया और तुरंत दंड दिया कि एक काम करा जाए, ये पंडित ने मेरे बेटे का गला काटा है, इस पंडित का हाथ काट दिया जाए। पंडित का हाथ कटा, पंडित ने मंदिर में सेवा करना बंद कर दिया, सेवा करना बंद करी, गांव गया, पत्नी से बोला मेरा हाथ कट गया। पत्नी बोली, काय को चिंता करते, कोई बात नहीं, आप अपने गुरु जी को विद्वान है ना, आपके गुरु काशी में, हाँ अयोध्या में, हाँ उनके पास जाओ, जाकर पूछो कि मैंने कर्म क्या करा था, हाथ क्यों कटा। पंडित जी गुरु जी के यहाँ गए, गुरु जी मेरा हाथ कट गया। गुरु जी बोले, मैं तो किसी का पुराना कर्म नहीं देख सकता, पर मेरे गुरु बड़े चतुर हैं, काशी में मणिकर्णिका के पाठ में रहते हैं, तुम उसके पास जाइए। गुरु जी क्या गए, और जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरु जी नहीं थे, गुरु जी की पत्नी थी, इन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव। जैसे ही गुरुदेव कहा, इतने में पत्नी ने दरवाजा खोला, गुरु जी की पत्नी ने, और चिल्लाती हुई आ गई, आ गए
वह खवल्ले गुरु जी के शिष्य, वो भी नहीं मरता और तुम भी नहीं मरते, क्या काम है? गुरु जी से मिलना है। भाग यहां से, गुरु जी से मिलना। वह ढोंगी से मिलकर क्या करेगा? चल जाए यहां से। पत्नी ने भगा दिया। शाम को वापिस आया, दरवाजा बजाया, पत्नी नहीं थी। आज गुरुजी ने दरवाजा खोला, आप कहाँ से आए हो? मेरे गुरुजी ने भेजा, आइए अंदर बैठिए, लो पानी पियो। क्या बात है, कैसे आना हुआ? गुरुजी मैं अपने पुराने कर्म को जानने आया था, मेरा हाथ क्यों कटा पूछने आया था, पर ये सब बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ तुमको एसी कैसे मिली, ये बता दो। ये मेरे तो कर्म बाद में बताते रहना, पर ये एसी जगदम्बा जो मिली है ये कैसे? गुरु जी बोले, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा। सत्य बताता हूं, पूर्व में ये गदी थी। कौन थी? गदी। और मैं कौवा था। इसकी गदी बोझा ढोढ़ो के इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा बनकर इसकी पीठ पर बैठता था, इसके घाव को करोतता था। ये गदी ऊंचा को चक्कर भागती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ये गदी में से पीछा छुड़ाकर 15 दिन बाद हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया, फिर इसकी पीठ को खरोदा तो गदी गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसके साथ गंगा में पानी में कूद गया, हम दोनों मर गए। मरे, ये गधी मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। जीते, जब कौवा था मैं इसको अपनी चोंच से खरोदता था, अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से खरोद रही है। बस अंतर, अपनी चोंच एक जन्म का नहीं है, ना जाने कितने। गुरुजी आपने इतना बताया, अब मुझे बताओ कि मेरा हाथ क्यों कटा? उसका एक कारण है, पूर्व में आप एक बड़े संत थे जिन्होंने नियम लिया था कि असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य पर जीऊंगा। फिर मेरा हाथ क्यों कटा? बस तुमने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा। एक दिन एक कसाई गाय लेकर जा रहा था, गाय हाथ से छूट गई, कसाई के हाथ से छूटकर गाय भाग गई, भागी। और कसाई तुम्हारे पास आकर पूछा, क्या तुमने गौ माता को देखा है, कहीं गाय को देखा है? और तुमने सत्य बोलने का निर्णय लिया था तो इशारा कर दिया, गाय इधर गई है। बस वही गाय पत्नी बनी, जिस कसाई ने काटा था वो पति बना। उसने उस समय पर गाय को काटा था और जन्म लेकर गाय ने कसाई को काटा। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का भोग है। शास्त्र कहता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना दान। क्यों करना? कर्म ऐसा करो कि बाद में रोना ना पड़े। सोचो हमारा मृत्यु लोक में जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हम पैदा हुए, कैसे किसके लिए हम जन्म लिए हैं, कैसा कर्म करने के लिए हम पैदा हुए हैं। भगवत भजन तत्व, आखिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। मनुष्य बनना सरल है पर मनुष्य बनकर भगवान का भजन करना कठिन है। हमारा क्यों जन्म, हम क्यों पैदा? भगवान की शरणागति का भाव हो, हमारा जो कुछ भी है वो केवल ठाकुर का हो, कुछ हमारा हो ही ना। वो कहते हैं ना, कि नंदलाला तेरी बंसी ने, गोपाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, गोपाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया। नंदलाला
हाथों से, ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करिए। तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, ओ बाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, ओ बाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, ओ बाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। था वो भी आपको नजराना कर दिया, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, नजराना कर दिया, नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, ओ बाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। नंदलाला तेरी बंसी ने, ओ बाला तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मुझे मस्ताना कर दिया। राधे नजराना कर दिया, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, ओ
नजरा ना कर दिया, ओ नजरा ना कर दिया, नजरा ना कर दिया। नंद लाला तेरी बंसी ने गोपाला तेरी मुरली, दीवाना कर दिया जे मस्ताना कर दिया। नंद लाला तेरी बंसी ने गोपाला तेरी मुरली, दीवाना कर दिया मस्ताना कर दिया, ओ दीवाना कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया, ओ दीवाना कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया, ओ दीवाना कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया। अच्छे दमदारी से बोलो, अच्छे से बोलो, राधे क्या ला दे है? दे राधे बोलो, दोनों हाथ उठा के राधे, बहुत बढ़िया, अच्छे बोले, नजर उतर वाले घर जाके भगवत भजन। महाराज जितनी भगवत भजन का तीन उंगलियां ऊपर कर आज दुर्योधन कुरुक्षेत्र की धरा पर प्राणों को त्याग रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरा एक ऐसी धरा ऐसी भूमि है जहां पर स्वयं राजा कुरु ने भगवान से वर मांगा था कि इस भूमि पर कोई भगवान कृष्ण का स्मरण भी करे तो तरे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, भगवान कृष्ण प्रणाम करे माता गांधारी को और गांधारी पीछे पांव कर बोली, तूने मेरा वंश मिटवा दिया, तूने मेरा वंश मिटा दिया। कृष्ण अगर तुम चाहते तो मेरे एक पुत्र नहीं मरता, तूने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया। भगवान कहते हैं, बुआ जी गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी कुछ होगी इसलिए कुछ ऐसा हुआ। अच्छा एक काम कर, अब भगवान कृष्ण ने वापिस ढोक लगा रहा हूं, आशीर्वाद तो दे दो, ये सब लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। गांधारी ने आशीर्वाद क्या दिया, कृष्ण मेरे जीते जी तूने मेरा वंश मिटाया है, तेरे जीते जी तेरा वंश मिटे, एक आशीर्वाद दे रही है। कौन? गांधारी। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो किसी ने अड़तड़ बोला, अपन भी अड़तड़, अरे हो गया, राधे बोलो, क्या करना अपन को, हो गया ना, हो जान। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। फालतू की झंझट में दुनिया के लोग पड़े हैं। एक पति पत्नी आए, उन्होंने प्रणाम करा, पति ने 100 रुपये चढ़ाए, पत्नी ने उसको टच कर लिया। पूछो उससे ये टच करने से होता क्या है, तो कहती है आधा मिल जाता है। तो ठीक है एक काम कर जे, अंदर जाए जब भोजन करने तो उसको टच करके घूमती रहिए। मिल जाएगा, और कोई पूछे क्या हो रहा है तो के आधा आधा। टिकट लेने कहीं जाओ, फ्लाइट व्लाइट का टिकट लो, ट्रेन का टिकट लो, तो एक टिकट ले लो, जैसे टीसी आए टच कर, तुरंत टच करके बैठ जाओ, ये क्या है आधा आधा, टीसी के तुम्हारे बाप की ट्रेन, उतरो चलो अंदर, चलिए उतरो अंदर चलिए, आधा आधा। ऐसा नहीं होता, अग्नि पुराण के अंदर लिखा हुआ है,
पति दान करता है तो पति को प्राप्त होता है और पत्नी दान करती है तो पत्नी को प्राप्त होता है। जब तक पति पत्नी दोनों जीवित हैं दोनों का दान अलग अलग होता है। हाँ अगर पत्नी चली गई फिर अगर पति एक रुपये भी दान करता है तो 50 पैसे पत्नी के खाते में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीमा कंपनी को याद करो, तुम निपटे माल उसको मिला, कमा कमा कर तुमने बीमे में जमा करा और किसके लिए जमा करा था, कब काम आएगा? सुख दुख में काम आएगा। अब ऊपर क्या काम आ गया है? आया जाने के बाद पति गया पत्नी को मिला, पत्नी गई पति को मिला, मिला किसको? दूसरे को। वो बीमा जो तुमने नीचे कराया उसका धन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को मिलता है, पर एक बीमा ये मानक बाग तहसील चौराहे पर चल रहा है इसमें जो बीमा कराया जा रहा है इसका धन जाते जाते मिल जाता है, दूसरों को नहीं आपको खुद मिलता है तुरंत। बीमा कंपनी वाला चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल टोपी लगा के ऐसा लेके तुम्हारे पीछे चलेगा, इसने जोरदार बीमा करवाया था, खूब कार्तिक महीने में खूब दान करा, पुण्य करा, धर्म करा, भागवत सुनी, खूब कल्लू जी के ब्याह का आनंद लिया, उसकी लाल फाइल जब खुलेगी तो यमराज को भी कहना पड़ेगा जान दो, वो 8 दरवाजे वाले मार्ग से जान दो, इसको अंदर जान दो, क्योंकि इसका बीमा भारी है, इसकी रकम नीचे वालों को नहीं इसकी रकम खुद तुम्हें प्राप्त हुई। तो ऐसा बीमा करवा जो तुम्हारे काम का हो, ये बीमा तुम जोड़ जोड़ के मर मर के 500 रुपये महीना जमा कर करके पूरा बाल धोला कर ही लिया, मुंडा में दांत नहीं बचे पिचकी लिया कई मात्र, क्या मतलब है सर? कृष्ण जैसा पैदा हुआ था भेरू बन के ले लिया है, क्या मतलब का जिंदगी? वो बीमा हो सत कर। कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, अरे बोलो जमके, हाथ पसारे जाएगा, पर शिव महापुराण में लिखा विद्येश्वर संहिता में कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा साथ में लेकर जाएगा। क्या? जो तुमने सत्कर्म करा वो, जो तुमने पुण्य करा वो, जो तुमने कथा सुनी वो, जो कार्तिक के महीने में बैठकर जो ये लाभ ले रहे हो वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो कोई दूसरे के साथ नहीं तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो ये मत बोलो कि हाथ पसारे जाएगा, नहीं, कल जाके बहू से कह देना खाली हाथ नहीं जाने वाली, मैं भी लेके जाऊं, बहू को भी टेंशन हो जाएगा, टोकरी आधी जायदाद ले जा, मैं तो लेके जाऊंगी, ऐसे मरूं ही नहीं। सत्कर्म हमारा, हमारा भजन हमारे साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ, और कुछ साथ नहीं देता भाई। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में आईसीयू में भी पड़ा रहता है ना, तो वहां डॉक्टर तुम्हारे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने देते, 1 लाख की अटैची लेकर वहां पर अगर कोई साथ जाता है तो मेरा सांवरिया सेठ उसी आईसीयू के कक्ष में बैठा रहता है। जो तुम दान, जो तुम धर्म, जो तुम कथा, जो तुम सत्संग, जो तुम पुण्य करते हो ना, तुम्हारा पुण्य वहां आड़े आता है, सब हाथ छोड़ देते हैं। अच्छा विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, उस पर विश्वास रखो। जब डॉक्टर कह रहा है कि उस पर विश्वास रखो, तब लोगों की आदत होती है कि जब डॉक्टर बोला उस पर विश्वास रखो तब जाके भगवान गणेश जी के लड्डू भोग लगाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, भगवान सुन लो। भगवान कहते हैं पहले ही मेरे पास आ जाती तो दुनिया के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, पर तेरी आदत है, जब तक तू 10 जगह माथा नहीं रगड़े इसके बाद ही तू मेरे पास में आए, तेरी आदत है, तू मेरे पास आकर भगवत तत्व की प्राप्ति हो, भगवत तत्व की शरणागति। कल हम भोजन के पंडाल में गए, हमने कहा अम्मा जी से कहा तुम जलेबी नहीं ले रही, महाराज जी सुगर है। अच्छा कोई इलाज हो तो बताओ महाराज, हमने कहा डॉक्टर थोड़ी ना, इलाज बताओ, सुगर का तो एक ही इलाज है, हमारी पुराण कहती है ये शुगर की जो बीमारी होती है ना ये काय से होती है, क्योंकि दुनिया के हर मनुष्य जो पैदा होता है उसके शरीर में शुगर तो रहती है, शक्कर रहती कि नहीं रहती? अरे बोलो तो सही, रहती प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। बस शुगर की बीमारी कहाँ होती है?
लोग जब अपनी जीवान से शुगर निकालना बंद कर देते हैं तो वही शुगर ब्लड में चली जाती है। इतना सा निवेदन है, तुम मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी अपने आप। कहीं नहीं कर अपने को, शुगर को लेवल करने का सबसे सुंदर तरीका है मीठा बोलो। कितना बोलते थे, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए ना जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। पर नियम शास्त्र कह रहा है कि मीठा बोलोगे, जितना मीठा तुम बोलोगे उतना लेवल बराबर पर चलेगा। तुम मिठास को निकालो तो सही, फिर शुगर की बीमारी होगी नहीं। मिठास निकालते रहो, बहुत प्रेम से बोलो। जैसे तुम वक्त पड़ने पर अपने पति से कहती ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, 500 गया जी। बस वह ऐसा मिठास तत्व तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, जो मिले उससे मीठा बोलो। इतना प्रेम बस बोलो, इतना प्रेम बस बोलो, तो लोग भी कहें क्या जोरदार भगवान की कृपा है। भले घर जाके तुम मीठा कुछ जाएगा, अरे बोलो तो सरी, कल वो दरवाजे पे बैठे थे नागोरी जी, हमने उनको ही कह दिया, काहे चिल्ला रहे, बीपी बढ़ जाएगा, अलमस्त रहिए, बहुत मीठा बोलो प्रेम बस। हम कार्यकर्ताओं से कहते रहते हैं क्या चिल्ला चोट करना, प्रेम से वाणी बोलिए, बहुत मीठी वाणी। ऐसा जलेबी में चाशनी कम होना चाहिए, और हम तो कहते हैं वाणी की मिठास इतनी होना चाहिए कि जलेबी भी मीठी लगने लगे, उसमें शक्कर कम हो तो भी मीठा लगे, ये भाव हो। कल माताएं बोल रही थी भोजन में, घर पे भी भोजन करते हैं पर उसमें स्वाद और यहाँ के प्रसाद में स्वाद। भैया यहाँ रोज कार्तिक के महीने में ये सांवरिया सेठ का अन्नकूट चल रहा है, ये एक दिन का अन्नकूट नहीं 7 दिन का अन्नकूट है। कई माता कहती हम तो भैया यहाँ का नहीं खाएं, हम 7 दिन के व्रत करें, हम ये करें, काहे को भूखी मरे जी जी, काहे रे। हमारे ठाकुर जी कहते हैं मैं 8 बार खाता हूं, तो 5 बार खा कम से कम, भूखे मत रहो। हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो जजमान हमसे फोन लगा के पूछते, अभी वो मोदी जी यहाँ बैठी होंगी भाभी मंजू मोदी, उनके घर के लोगों ने कथा ली शिव महापुराण कौन 2019 में, तो उनके पिताजी ने फोन लगाकर पूछा गुरु जी व्रत किस किस को करना पड़ेगा, हमने कहा ये बताओ खाने की कमी है का, तो कि नहीं, तो हमने कहा हमको भी खूब खवा तुम भी खूब खा, पर व्रत मत करो ना, हम करें ना हम करने है? काय को व्रत करे, व्रत करो तो फिर ऐसा करो कि मुख के चेहरे की रंगत ना जा। फूल यदि ताजा है तो तुम भगवान को दोगे, दोगे किन दोगे, अरे बोलो तो दोगे। अगर केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, फल अच्छा है तो भगवान को दोगे, व्रत अच्छा है तो भगवान को दोगे। फूल मुरझा गया तो भगवान को दोगे नहीं, केला काला पड़ गया तो भगवान को दोगे नहीं। उसी तरह व्रत की प्रधानता है, जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर स्माइल दिखे, प्रसन्नता दिखे, उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है, और जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा लटक जाए मुरझा जाए वो व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करता। मालूम पड़े वो एक व्रत आता ना जिस दिन तुम लोग कुछ नहीं खाती पीती, हरताली का तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, सतुआ तीज, जो भी है तीज की, सुबह 8-9 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक माताएं ऐसी प्रसन्न दिखे, 12:30 के बाद ऐसी पट्टी बांध के पलंग पे पड़ी दिखे, का मतलब का ऐसा? और निवाड़ी की पूजन करने जाए या भोलेनाथ जी की पूजन करने जाए तो 3 बार पूछ ले तू कितनी बजे जाएगी, कहा मतलब ऐसा? कल एक भैया घूम रहे थे इधर, उनका मुंह उतरा हुआ था, तुम का है मुंह उतारे, गणेश जी के मंदिर गया था तो पैदल चले गया। हमने कहा वो भेरू हमसे तो बोलता, गाड़ी भेज दे, पैदल अब चले गया और ऐसा बैठा, काहे गणेश जी भी बोले काय को आ गया है, तू मुझसे बोल देता मैं तेरे घर आ जाता, काहे तू ऐसा व्रत करा दे। अब व्रत करो सबसे ज्यादा आनंद आता है नवरात्र के व्रत में, एक बोले मैं लोंग पे करूं, एक बोले मैं नंगे पांव करूं, एक बोले मैं एक गिलास दूध पे करूं। हमसे पूछे तो हम 4 बार खा के कर,
देवी प्रसन्न लगती है। माँ कब प्रसन्न होती है? उसकी गोदी में बैठा हुआ बेटा भरपेट दूध पी ले, भोजन कर ले। माँ भी कहती है मेरे बेटे ने भोजन कर लिया, मैं प्रसन्न हो गई। भूखा मरकर व्रत करो, कुश्ती मार्ग का नियम कहता है वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब चरो। मूंगफली का दाना इतना सारा सेक के फ्रिज में रख दो, चिप्स तल के कूलर पे रख दो, राजगिरे की खीर बनाओ अलमारी पे धर दो, जहां से निकलो वहीं चरो और एकादशी करो। भूखे रखकर क्यों कर रहे हो? कौन ने कहा? तो जितने भी कार्तिक के महीने में यहां पर जो भी मेहमान पाहुणे और सियोर की जी जियो भाभियों बहनों जो भी पधारी हो, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम्हारे हिस्से का भोजन बच गया है, इसलिए भर पेट करो, अन्न का कण व्यर्थ मत जाने दो, खूब प्रेम से खा। व्रत अगले साल कर लेना, कौन सा कल्लू जी को ब्याह अगले साल होगा, अगले साल। तो क्या अभी इतने सारे करे वो हम भगवान से कह देंगे खाते में जोड़ लेना, तुम चिंता मत करो। पर ब्याह भगवान के विवाह में तुम नहीं खाओगे तो फिर भगवान तुम्हारे घर में आके विवाह में खाएगा क्या? और तुम झूठा मुंह नहीं करोगे तो भगवान का ब्याह तो हो जाएगा, पर अगर भगवान आया और तुम्हारे भंडारे में आकर उसने कुछ मुंह झूठा नहीं करा तो मालूम पड़े भोजन का टोटा पड़ गया। तो इसलिए उसकी शादी में तो तुम डटके खाओ। खूब खाओ, प्रभु के ना रहिए भक्ति राधे। भगवत भजन का तात्विक सुख हो महाराज, तात्विक। और पुरुषों से निवेदन है आप लोग एक पट्टी पर हो जाइए राधे, तात्विक सुख की अनुभूति हो। और भजन चित्त जब तक ना हो आनंद सुख समाहित नहीं होता। मेरा निवेदन केवल इतना है, आपका मन भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन को देखकर, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन के देखकर कि दुर्योधन और भगवान कृष्ण के चरणों को विनती कर भगवान कृष्ण के सम्मुख में आज गांधारी ने के जरूर दिया कि तेरा वंश तेरे सामने चले जाए, तो भी भगवान प्रसन्न हुए, खूब हंसे, मेरा ठाकुर खूब प्रसन्न हुआ, मेरा द्वारकानाथ खूब हंसे। तो गांधारी ने पूछ लिया कृष्ण मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि तेरा वंश तेरे सामने मिटेगा और तू हंस रहा है? कृष्ण कहते हैं बुआ जी मेरे सामने मेरे परिवार के लोग, मेरे सामने मेरे घर के लोग चले जाएंगे तो कम से कम खुद घर का व्यक्ति जब खड़े होकर किसी को गाड़ी में बिठाता है तो अच्छे ऑटो में अच्छी गाड़ी में बिठाकर अच्छी जगह अच्छी ही स्थान पर भेजता है। मैं रहूंगा तो मेरे सामने कम से कम इनको अच्छे अच्छे वाहन में अच्छी जगह भेज तो दूंगा, जाने के बाद कौन को मालूम कि सही जगह गए कि नहीं गए। हम तो वही बात तो आप लोगों को कहते हैं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा, जगन्नाथपुरी में पहुंचकर इसलिए वहां पर कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। सैया दान करना है तो जीते जी करो, सुखसेज करना है तो जीते जी करो, ब्राह्मण भोजन कराना है तो जीते जी कराओ, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कई लोग कहते हैं दादी जी चली गई, बहुएं उनको दो दो तीन तीन एकादशी का दान दे रही, बड़ी बहू ने दो दे दी, छोटी ने चार दे दी, उसने पांच दे दी, तो इसका मतलब क्या जो दादी मरी वो क्या बेकारन थी? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा आपकी करी हुई एकादशी से आप तरो दूसरी की एकादशी। और एकादशी दान देने वाले कब देते हैं? एकादशी का दान देते हैं 12वें और 13वें में। और करुण पुराण में लिखा 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है, 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। जब 10 दिन में जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है और 12वें और 13वें में एकादशी का दान दिया तो जीवात्मा को तो मिला ही नहीं, इसलिए मायावाद का खंडन करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा हॉस्पिटल में किसी को देखने जा रहे हो, कोई तकलीफ में है, वहां जाकर खड़े हुए हो, बहुत कष्ट भोग रहा है, प्राण नहीं छूट रहे, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको जीते जी दे दो, वो तर जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा तरेगा,
और लोग मरने के बाद एकादशी देते हैं, लोग मरने के बाद 12वें का भोजन कराते हैं, लोग मरने के बाद 13वें का भोजन कराते हैं। यहाँ गरुण पुराण शास्त्र कहता है, मायावाद का खंडन करते हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, श्री रामानुज संप्रदाय के स्वामी रामानुज जी महाराज ने, राम स्नेही संप्रदाय के श्री राम जी महाराज ने हर बार ये वर्णन किया कि हाथों से जीते जी दान होना चाहिए। जैसा दान आप लोग ये कार्तिक के महीने में ये भंडारे में कर रहे हो, तो समझ लेना कि अपने को अब 12 और 13 भमन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 252 को एक साथ भोजन करा रहे हो। ये अपने हाथ का पुण्य है, अपने कर लिया, फिर वो पुण्य हमें को ये नहीं देखना कि मरने के बाद कौन कर रहा। धन का अहंकार भले मत करो, पर भगवान की भक्ति का अहंकार बहुत करो, बहुत अहंकार करो। हाँ भैया, मेरा तो सांवरिया बैठा है, वो सब कर देगा। बहू, तुम्हारे चक्कर में मत पड़ कि तू पानी देगी तो मैं पीऊंगी। मेरे तो सांवरिया नाथ द्वारा में श्री जी बाबा क्यों आए, उसके आने का केवल एक कारण वो माँ, एक बूढ़ी जो यमुना जी की, ठाकुर जी की सेवा करती थी, तो यमुना जी ने ठाकुर जी से कह दिया तुम जाइए, अब तुम करो। उसके हाथ पैर चलते थे जब तक उसने करा, अब अपना फर्ज है कि अपन कर। हम उसको कुछ दें, और भगवान कहता है मुझे वो देना जो मेरा दिया हुआ मत देना, मेरा ना हो वो दीजिए। भगवान कहते हैं वाणी तेरी है, तू अपनी वाणी से मेरा भजन कर ले, इंद्रियां तेरी हैं, ये इंद्रियां मुझे समर्पित कर दे। धन दौलत संपदा अपनी जगह पर है, पर सबसे मुख्य है भगवान को अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि दे दे। अभी भजन में गा रहे थे अपन, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया दीवा। एक मन चित्त बुद्धि चिदानंद वृत्ति परमात्मा को दी, और वो मन वो चित्त वो वृत्ति जब दे दी, तो भगवान आपका और आप भगवान के। कहे मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली भाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली भाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। किस किस को चाहिए काली कमली वाला? काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है,
आखिर तो दर्दे दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये खाना की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये खाना की महफिल है। नाच उठे वो सांवरिया हो, नाच उठे वो सांवरिया सरकार के लिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार था, वो काली कमली वाला मेरा यार था। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार चाहिए, ओ काली मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार ताली से। बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। कुछ कमी नहीं अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को बंसी वाले का, नैनों को बंसी वाले का, नैनों को मुरली वाले का, नैनों को मुरली वाले का दीदार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा दीदार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। नैनों को बंसी वाले का हो, नैनों को मुरली वाले का दीदार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, कितनों पर डोरे डाले तेरे ये मस्त नजारे, कितनों पर डोरे डाले तेरे ये मस्त नजारे, यशोदा नंदन के हो, यशोदा नंदन के दीदार चाहिए,
वो काले कमले वाला मेरा यार जाए, वो काले कमले वाला मेरा यार जाए। नैनों को बंसी वाले का हो, नैनों को मुरली वाले का दीदार जाए, वो काले कमले वाला मेरा यार जाए, वो काले कमले वाला मेरा यार जाए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार जाए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए कुछ कमी नहीं अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मद होश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मद होश बनाए कतार तेरे नैनों की, दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार के लिए, वो काले कमले वाला मेरा यार जाए, 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 वो काले कमले वाला मेरा यार जाए। जय जय भगवत तत्व की शरणागति के सुख को दुर्योधन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बुआ जी आपने जो कहा वो मुझे स्वीकार है, मेरे सामने जावे तो सुख की अनुभूति होवे, बाद में क्या होगा ये कौन जानता है। सुख वो है जो सम्मुख में हो, सामने का सुख सर्वप्रथम। मांटाबू से एक माता जी का फोन आया था, सुबह कह रही थी हमारा तो गुरु जी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, पर हमारा दिल तो सियोर में लगा है, ना जाने कौन सी कथा कैसी चल रही है, कैसा आनंद हो रहा है, हमने सुक्ताल नहीं छोड़ा, हमने नेमी शरण नहीं छोड़ा, हमने जगन्नाथ नहीं छोड़ा, सियोर कैसे छूट गया। हमने कहा बेन तो चिंता मत कर, सांवरिया कृपा करेगा, ठाकुर जी की अगर कृपा हुई तो 7 दिन में से आज तो दूसरा दिन है, कितने बचे हैं 5, किसी ना किसी दिन तो तू ठाकुर जी की शरणागति तक आ ही जाए, कृपा है। एक यजमान का फोन आया, हमारी पत्नी सब साड़ियां तैयार कर रही है, तुमने तो डाल दिया व्हाट्सएप पे कि दूसरे दिन नीली पहनो, बाजार गई 1,500 की खरीद लाई। हमने कहा ठाकुर जी की कृपा है,
ये भगवान की कृपा है, सांवरिया की दया है। कई लोग पूछ रहे थे मेहंदी हल्दी कैसे होगा, हमने कहा ये मेहंदी हल्दी का क्रम जो रखा है ठाकुर जी की कृपा से, भगवान के विवाह की वो कहे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। हमें अपने वर को वरा वो अपनी जगह पर है, पर इस आत्मा का कोई पति है तो वो केवल एक परमात्मा है। वो मेहंदी हल्दी चूड़ी हम जो इस विवाह में वो पहनेंगे, वो चूड़ी वो मेहंदी वो हल्दी वो केवल ये नहीं कि लेडीजों के लिए है, मेहंदी और हल्दी पुरुषों के लिए भी है। ऐसा वरण हो इस आत्मा का कि परमात्मा इसका पति है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत सब कुछ उसका होगा। और जब ये आत्मा परमात्मा की हो गई तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। पति का मतलब मालूम है? अरे बोलो तो सरी, क्या बोलते हैं? प्राणनाथ, पति परमेश्वर। पति का मतलब क्या है? भरण पोषण करने वाला। इसलिए हमारे यहां ठाकुर जी को कहते हैं पशुपति नाथ, भी भगवान का एक नाम हो गया। द्वारिका नाथ, नाथ वही प्राणनाथ जगन्नाथ, नाथ पति को संबोधन में, मतलब वो हमारा भरण पोषण कर रहा है, हमारे को संभाल रहा है, हमारे सुख दुख में वो हमारे साथ हर पल हर घड़ी। ये सब बिटले सेवा समिति के पूछ रहे थे, गुरु जी अपन पत्रिका तो सबको दे दिए हैं तो फिर पीले चावल देने से सबको बरात में नोतने से कौन सा है? सब आ जाएंगे, अपन क्यों जाए? नहीं नहीं, हमने नियम पहले का याद करो, पुराने ब्याह का नियम था कि पत्रिका भले चली जाती थी पर फोन लगा के उसी को फोन करते थे जिसको बारात में बुलाना होता है, जाना पड़ेगा सबको बोलो। और हम तो कहते आप भी 50 फोन लगाकर बोलो कि अभी नहीं आए तो क्या हुआ, जरूर आओ। और हम तो कभी माता कह रही थी हमारे यहाँ 19 मेहमान रह रहे हैं गुरु जी, तो अपने घर में लोग आए उनके चरण पड़े, उनकी चरण की धूल गिले, अतिथि देवो भव। प्रयास करिए, एक प्रयास रुक्मणी सतभामा जामंती नहीं कर पाई इसलिए वो भगवान कृष्ण के साथ नहीं हो पाई। एक बार कह दिया था सतभामा जी ने, आपको मालूम है कथा में, आप पहले भी वर्णन करा, एक बार सतभामा जी ने कह दिया रुक्मणी से, ये भगवान कृष्ण को क्या हो गया जो दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर भग जाते, आखिर द्रौपदी के जाते क्या, ऐसा क्या है द्रौपदी के पास में? भगवान कृष्ण ने सुन लिया और सुनते से भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहाँ जा रहे थे और रुक गए और रुकते हुए बोले मैं द्रौपदी जी जी के घर जा रहा हूं। तो सतमामा जी बोली बताओ, एक तो हम बात ही कर रहे और आग लगाने आ गए, मैं जा रहा हूं द्रौपदी जी जी के यहाँ। इतने में भगवान बोले सतमामा तुम चल रही हो क्या? सतमामा ने तुरंत रुक्मणी को कोनी मार के कहा सोने पे सुहागा हो गया, आज जरूर जाऊंगी द्रौपदी के यहाँ और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी मुझसे कि भाभी क्या होती है, ऐसी ननन किस काम की। दौड़े भागे और भाई तुरंत भाग जा जीजी के घर, अभी रुक दो। इतने में रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। रुक्मणी सतमामा दोनों गई, द्रौपदी जी बाल झाड़ रही थी, कंघा कर रही थी और इतने में जाकर तुरंत तो उसी समय पर भगवान ने पूछा द्रौपदी जीजी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी बोली भैया मैं बाल बा रही हूँ, तुझे दिख नहीं रहा? नहीं मुझे दिख तो सब रहा है, तो तू काहे को बा रही है, तेरी दो दो भाभी आई तो काहे को इतनी मेहनत करे, ये दो भाभी क्या करेगी? एक से कहा तुम तेल लगाओ, दूसरी से कहा तुम चोटी करो। सतमामा जी बोली तेल में लगाऊंगी, और जो सतमामा जी तेल लगाने बैठी ऐसा चोटी में तेल लगाए तो रुक्मणी जी से कहा तुम चिंता मत कर, खोपड़िया का एक एक बाल नहीं तोड़ के मानी तो मेरा नाम भी सतभामा है, आज इसको भाभी तो भाभी है तू देख। और जो तेल लगाने बैठी तेल लगा के एक बाल जो खींचा, खींचते से द्रौपदी को तो कुछ नहीं हुआ पर जहां से बाल टूटा वहां से आवाज आ गई हे कृष्ण, बाल टूटते ही आवाज आई हे कृष्ण।
दूसरा बाल तोड़ा, हे कृष्ण। तीसरा बाल तोड़ा, हे कृष्ण। सतमामा ने द्रौपदी तुरंत रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी जी समझ में नहीं आता, ये द्रौपदी के बाल तोड़ने पर हर बाल में से कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, सतभामा ये द्रौपदी के घर दौड़ दौड़ कर क्यों आता हूं? पृथ्वी पर इतने लोग रहते हैं, मैं सबके घर नहीं जाता, उसका कारण केवल एक है। हमारे शास्त्र कहते हैं बाथरूम में स्नान करने से, साबुन लगाने से शरीर साफ नहीं होता, आत्मा साफ नहीं होती। पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। ये रोम छिद्र क्यों दिए? क्योंकि 3.5 करोड़ बार एक दिन में तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर ये शरीर या आत्मा साफ होती है। और पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम ले लेती है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर आता हूं। तूने बाल तोड़ा तो कृष्ण का नाम निकला, हर रोम रोम में द्रौपदी के कृष्ण समाया है। फिर भी सतमामा जी को विश्वास नहीं हुआ, तो सतमामा ने कह दिया, क्यों द्रौपदी एक बात तो बता, तेरे पास कोई जड़ी बूटी है क्या? तो सबको अपने बस में कर लेती है, हमारा पति तो तेरे बस में, और तेरे 5 पति तेरे बस में, तू बोल दे बैठ जाओ तो बैठ जाए, तू बोल दे उड़ जाओ तो उड़ जाए, ऐसी कोई बूटी हो तो सीहोर में भी दे जा। तो बात ये तेरे बस है क्या? सुनते तेरे पति तो इतने में तुरंत बोली द्रौपदी जी जी, तुम्हारा पति मेरा कृष्ण भी आपका कहना मान ले, मेरा भाई भी, बस बात इतनी सी है दीदी। मेरी सास ने भोजन बनाते बनाते कहा था अर्जुन से, मेरे पति से, अर्जुन जी ने कहा था माँ देखो हम क्या लाए हैं, और माँ ने कह दिया 5 बांट लो। मैंने सास का कहना माना, 5 पतियों की पत्नी बन गई, दुनिया के लोगों ने मुझे अपशब्द कहा, सुनती रही, ये 5 की पत्नी है, सास का कहना माना और मैं अपने 5 पतियों की पत्नी बन गई केवल सास का कहना मानकर। माता कुंती की सेवा कर उसको वन वन में लेकर भी गई तो साथ रही, मैं अपने पति की माता पिता की सेवा करी तब जाकर मेरे पति मेरे अधीन हुए हैं। तुम्हारे पति भी तुम्हारे अधीन हो जाते जिस दिन वसुदेव और देवकी द्वारका में आए थे, और तुम 16,108 रानियां अपने कमरे में रह रही थी पर एक ने भी अपना कमरा खाली कर नहीं दिया, और वसुदेव और देवकी को हॉल में सोना पड़ा। तब वसुदेव देवकी तो 3 दिन रुके, वापिस चले गए। भगवान कृष्ण समझ गए इनसे इनका कमरा नहीं छूटा एक रात्रि के लिए, ये मेरे माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, इसलिए कृष्ण तुम्हारा नहीं हुआ। जो अपने सास ससुर का हो जावे, माता पिता का हो गया तो जगत उसका हो, जगदीश उसका, तुम हुए ही नहीं। पति कहना नहीं सुनता, तुम उनके माता पिता का सम्मान करो, कैसे नहीं सुने, सम्मान तो करो, वो भी मान दे, वो भी सम्मान। 2 चीजें होती हैं, हम किसी को सम्मान देंगे तो कोई हमें, यशोदा का नाम है यश ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा है, और यशोदा अगर किसी को यश दे रही है तो उसको भी यश की अनुभूति हो रही है। हमारी आदत में ये होना चाहिए कि हम दे क्या। एक संत रोज एक सन्या एक माता जी के यहां जाते थे, माता भिक्षाम दे, और माता जी सुबह सुबह 2 गाली देना चालू करे, आ गया ठटरी का खोलला, कोई काम नहीं है भिखारी को, मांगने आ गया। चेला बोले गुरुजी क्यों जाते हो, 3 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल हो गए, ये कभी कुछ नहीं देती और गाली गाली देती, और तुम तो भी चले जाते, कुछ नहीं देती और तुम चले जाते मांगने। गुरुजी बोले कैसे नहीं देती, गाली तो देती, दे तो रही है ना। बोले सही है कि गलत है, गाली दे रही है वो क्या कम है, दे तो रही है ना। गुरुजी ने कहा परंतु एक बात बताओ, इसको दुख क्या है जो ये गाली गाली देती, कभी कोई खाने पीने का तुम पता करो। इतने में उसने पता करा चेले ने, और मालूम करके आया गुरुजी इसके घर में बहू के छोरा छोरी नहीं है,
और इसलिए इसको बड़ा गुस्सा आता है। तो ठीक है, गुरुजी ने आज जाकर भिक्षा मांगी, माता भिक्षाम दे। इतने में आज बुढ़िया तो पोछा लगा रही थी, पोछा लगा रही और फिर आज्ञा मांगने। बुढ़िया ने आज कुछ भी नहीं बोला और गुस्से में आके जो पोछा लगा रही थी वही कपड़ा पोते का और फेंक दिया, ले आग लगे ले। और जो फेंका संत की छाती पर लगा, संत ने उस पोते को उठा लिया और उठाकर कहा, माँ आज तूने मुझे पोता दिया, जब तुझे भी पोता हो जाए। तूने मुझे पोता दिया, तुझे भी पोता। आज तक बुढ़िया ने दिया नहीं था इसलिए उसके घर भी एक गुलाब का फूल हुआ ही नहीं था। अगर देने की आदत होती तो वंश भी बढ़ता, धन भी बढ़ता, वैभव भी बढ़ता, पर हमारी केवल जोड़ने की आदत है, देने की नहीं कर पाए। हम देने की आदत नहीं कर। मेरा निवेदन रहे माताओं से, एक संत एक जगह भिक्षा मांगने गए तो माँ ने कह दिया, बच्ची से जा कह दे हमारे यहां कुछ नहीं है। संत शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांग रहे हैं और चेला करे गुरु जी वो मना कर रही, चलो। चेले के शब्द सुनकर गुरु जी ने बेटी से कहा, बेटी एक काम कर, कुछ मत दे, तेरे यहां कुछ नहीं है, झाड़ू लगा कचरा दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाकर कचरा दे दिया तो चेले ने कहा, गुरु जी कचरे का करोगे क्या? गुरु जी ने कहा, मैंने कचरे को ले जाकर भले फेंक दूंगा पर इस छोटी सी कन्या को मैंने देने की आदत डाल दी, कुछ भी देगी जब बड़ी होगी ना तो देने की आदत रहेगी। मालूम पड़े अभी से आदत हो जाएगी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ससुराल जाके भी कह देगी, डब्बे में शक्कर नहीं, चाय की पत्ती नहीं, दिन भर सास का भेजा खाएगी और हर बार एक ही बात कहेगी, कुछ नहीं। इसलिए मैंने इसको आदत डाल दी, सब है देने की आदत। और जो बोलता है कुछ नहीं, एक दिन दिन भर में सरस्वती मुंह से निकल, कई लोगों की आदतें थी, कोई खुश होकर जीता है, कोई दुख होकर। हम तो कहते हैं हवेली जी में भी जाओ ना, ठाकुर के मंदिर में भी जाओ तो कभी रोकर मत बैठो, बहुत प्रसन्न में। दुख भी है ना तो भगवान के सामने प्रसन्न बैठो, इतने प्रसन्न भगवान को भी लगे, इतनी तकलीफ होने के बाद में भी इतना प्रसन्न रहता है। जा तेरी तकलीफ दूर, तू आज से प्रसन्न नहीं रहे। और मालूम पड़े कईयों की आदत है, मंदिर में भी बैठे कीर्तन चल रहा और ये धापो की बाई की, अंदर बैठा हवेली जी में गोवर्धन नाथ भी के काय को आ जाती है ऐसा मुंडा लेके, मेरे से देखा नहीं जाता, क्यों बैठे प्रसन्न रही। हम कहते हैं ठाकुर जी की हवेली में जाओ, मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, किसी के यहां जाओ तो बहुत प्रसन्न चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, प्रसन्न। प्रसन्नता हो, मुस्कुराए। कई लोग मृत्यु के समय पर, शास्त्र कहता है मृत्यु के समय पर भी अंतिम क्षण में भी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो, क्यों? अभी तक दुनिया से मिले थे, अब उससे मिलने जा रहे हो जिसको मिलने के लिए जगत तरसता है, अब प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए, वो मिल रहा है, उसकी प्रसन्नता का भाव। वो कहे ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवाय कल्लू कोई भाव। अब चित्त चिदानंद वृत्ति सांवरिया से लग गई, फिर कुछ भाएगा ही नहीं। हम बहुत दुनिया में घूमते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो, कोई कहता है हमारे यहाँ आओ, हमारे भी ठाकुर जी आपके बराबर के हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं, पर करूं क्या, दिल तो यहीं में अटक गया, इसके सिवाय कोई दिखता ही नहीं। कानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे दौड़ दौड़ मन मंदिर, कुछ भाए तो खाए ना, यहां तो चित्त चिदानंद वृत्ति में एक है, वो समा है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करके निकाला, अभी नेट पर सर्च करके देखना, लोगों को अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही, क्यों?
तो कहा अमेरिका के लोगों को या तो कुत्ता पालो, पक्षी पालो, कुछ भी पालो। क्यों? क्योंकि इस दिल को कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है। तो हमारे संतों ने भी तो पहले से कह रखा है पूरी भारत की भूमि पे, वो अमेरिका वाले तो अब रिसर्च कर रहे हैं, इंडिया के संतों ने तो पहले रिसर्च कर दिया था कि इस दिल को अगर सांवरिया से लगा कर रखोगे तो हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि दिल उसका हो गया, दिल में वो बस गया। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी। हमारा दिल उससे लग जाए, चित्त चिदानंद वृत्ति उसमें लग जाए, कैसे होगा? लोग कहते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होगा? अरे सांवरिया बैठा है, स्वयं द्वारिकाधीश बैठा है, और केवल एक कल्लू नहीं, केवल एक सांवरिया नहीं, केवल एक कल्लू का विवाह नहीं, केवल एक ठाकुर का विवाह नहीं, सीहोर के घर में बैठा हुआ, हर मंदिर में सीहोर के घरों घर में बैठा हुआ, हर ठाकुर जी की प्रतिमा सीहोर के घर घर में बैठा हुआ, तुम्हारे घर में, जिस आले में, जिस मंदिर में, जिस छोटे से मंदिर में जो ठाकुर बैठा है, उस मंदिर के ठाकुर का विवाह है। एक का नहीं है, सीहोर के, पूरे जगत के ठाकुर।